YouTube चैनल MHKS मोबाइल इंजीनियर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कोड रजिस्टर। कोड रजिस्टर की वैल्यू कैसे निकालेंगे बिना मल्टीमीटर के। बिना मल्टीमीटर के हम रजिस्टर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो आइए दोस्तों हम दिखाते हैं आपको कैसे निकालना है। जिसमें कोड लिखा हुआ होता है ऊपर में, ये देखिए, जैसे ये लिखा हुआ होता है, सबसे पहले हम तो कोड देखेंगे, 3 डिजिट का देखेंगे हम, उसके बाद 4 डिजिट का देखेंगे, उसके बाद R33 जो लिखा हो तो वो भी देखेंगे हम, ऐसे लिखा हो तो वो भी देखेंगे, मेगा ओम जो लिखा होता है 53 mega, 4 डिजिट में देखेंगे, फिर मेगा ओम में देखेंगे, किलो ओम में देखेंगे, कैसे निकालना है इसकी वैल्यू वो हम सारा अभी देखेंगे, कैसे निकालेंगे इसको सारा भी आपको हम बताएंगे। इसमें 2.2 के लिखा हुआ है तो इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो हम दिखाते हैं वीडियो को। दोस्तों अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नई नई वीडियो हम बनाते रहते हैं। ये देखिए, इसका सबसे पहले 56 ये होता है, 563 कोड में ये 2 कोड को ये सिग्निफिकेटिक वैल्यू मानते हैं, जो कि सबसे पहले हम ये 56 है तो सबसे पहले 56 हम लिख देंगे इसको, ठीक है। उसके बाद 2 है, उसके बाद जो कोड रहेगा लिखा हुआ मल्टीप्लाई फैक्टर तो इसको हम 00 दे देंगे इसमें, ठीक है, 00 ये देखिए दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, करने के बाद 5.6 ओम, किलो ओम आ जाएगा, किलो ओम, ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। उसके बाद ये है हमारा 5420, इसको हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए, ये 2 का 2 2 उतर जाएगा, ठीक है। उसके बाद 0 है तो 0 का कुछ नहीं है तो 0 ओम हो जाएगा ये, ठीक है, इतना है। उसके बाद 822, सबसे पहले 8 और 2 तो नीचे आ जाएगा, 8 और 2, उसके बाद 2 है तो 0 0, ठीक है। उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा 8.2 किलो ओम, ठीक है। उसके बाद ये है 2.2 के, तो इसका क्या होगा, 2.2 के का मतलब होता है 1000, ये देखिए 3 0, ठीक है। इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा 1 0, ये हो जाएगा 2200 ओम। फिर अगर हम इसको चाहें पॉइंट में निकालने के लिए तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इतना 2200 ओम ये आ जाएगा 1000, तो उसके बाद ये आ जाएगा 2.2 ओम, 2 किलो ओम आ गया, देखिए 2.2 किलो ओम, जैसे ये 2.2 किलो ओम वैसे ही आ जाता है फिर, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 4 डिजिट में आते हैं, 4 डिजिट, सबसे पहले 4 डिजिट, 4 डिजिट में 3 कोड होता है, वही फिर 3 कोड को हम लिख देंगे 70, ठीक। उसके बाद 2 है तो 20 दे देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद ये आ जाएगा 1.7 किलो ओम, ठीक है, ये 170 किलो ओम हो जाएगा, 17 किलो ओम। तो उसके बाद ये देखिए हमारा हो गया, ये जहाँ के R33 तो यहाँ हो जाएगा 0 पॉइंट, जहाँ R रहेगा वहाँ हम पॉइंट देते हैं तो 33 उसके बाद दे देंगे, ठीक है। तो पॉइंट पहले नहीं होता है, 0 हमें वैसे लगा देंगे, ठीक है, ये देखिए 0.33। उसके बाद देखिए यहाँ है 5R8 तो यहाँ हो जाएगा 5.8, आर की जगह पॉइंट हो 5.8 ओम, ठीक है। उसके बाद ये 57R, मतलब ये बाद में है, इसकी कोई वैल्यू नहीं हुई, ठीक है, 57 ओम, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं ये 53K,
तो ये किलो ओम में होगा, जहाँ किलो ओम में आ जाएगा, 5 3 के है, ये किलो ओम आ जाएगा, ठीक है, 5 3 किलो ओम। इसको आप निकाल भी सकते हैं, जैसे मैंने निकालने के लिए बताया के का वैल्यू होता है, जैसे ये देखिए 3 3 के 53, ये देखिए इतना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये आ जाएगा 5.3 आ जाएगा ये, ठीक है, किलो ओम में। इसकी वैल्यू अगर वैसे करके निकालते, किलो ओम में निकालना है तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, जो मैं बताया हूँ इतनी अच्छी तरह से कोई नहीं बताता है, कहीं नहीं बताया जा रहा होगा, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद ये मेगा ओम में आता है, ठीक है, मेगा ओम, एम जहाँ है वहाँ पॉइंट आ जाएगा, ठीक, उसके बाद 4 3 यहाँ 0 दे देंगे हम, ठीक है, उसके बाद यहाँ एम है, यहाँ पॉइंट होगा 6.3 मेगा ओम, ये भी होगा मेगा ओम लिखेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा मेगा, एम जो है लास्ट में आ जाएगा मेगा ओम, ठीक है, उसके बाद 5 3 मेगा ओम, 5 ये आ जाएगा, 3 डिजिट हो गया ये, जो मैं पहले बताया था आपको, ये वाला सबसे पहले ये दोनों को लिख देंगे, 7000, ठीक है, उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाता है आपका 4.7 किलो ओम में, ठीक है, ये 4 डिजिट का आ गया, ये 3 कोड को हम लिख देंगे 6 3 5, ठीक है, उसके बाद 2 है, 0000 दे देंगे, उसके बाद हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको भी, इसको बिल्कुल बारीकी से निकालना मैं बता रहा हूँ, ठीक, तो ये आ जाएगा आपका, मतलब ये आ जाएगा 3 6 3 6 3 3 बार, मतलब 5 किलो ओम, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए, उसके बाद ये ही मैं बता ही दिया हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ये देखिए इतना है 8.4, उसके बाद ये निकालने के बाद सीधा सीधा हमें लिख देना, जो मैं निकाल के लिखा हूँ, ये बिल्कुल निकालने के बाद ये मैं बता दिया हूँ एग्जैक्ट कैसे निकालना है इसको, आप इसको भी निकाल सकते हैं, ये इतना आएगा 8.25 मेगा ओम में आएगा ये, ठीक है दोस्तों। अगर कोई दिक्कत हो दोस्तों तो हमारे चैनल को कमेंट कर सकते हैं, आपको हम जल्द से जल्द रिप्लाई देंगे दोस्तों। और मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ, ये देखिए 2 डिजिट है, तो इसको हम 3 डिजिट में, तो ये हम 2 डिजिट को लिख लेंगे, ये देखिए 5 2 6 2 है, तो हम 0000 दे देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो इसके ये आएगा 5.6 किलो ओम, ठीक है, उसके बाद 4 डिजिट, ये 3 डिजिट में फिर एक देख लीजिए, ये भी देख लीजिए 4 2 4 2, ये है 4 2 हम लिख लिए, उसके बाद 0 है, 0 का वैल्यू कुछ नहीं होता है, उसके बाद तो हम लिखेंगे नहीं, तो 4 2 ओम, उसके बाद 8 2 2, ठीक है, तो 8 2 हम लिख लेंगे फर्स्ट का 2 डिजिट, उसके बाद 0000, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद 8.2 किलो ओम आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद 4 डिजिट में आते हैं, 3 डिजिट तो हम लिख लेंगे 1700, 0 के बाद 2 है 2 0, उसके बाद 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद आ जाएगा 17 किलो ओम, ठीक है, उसके बाद ये भी देख लीजिए 2.2 किलो ओम, 2.2 किलो ओम लिखा रहेगा, इसको हम कैसे निकालेंगे, 2.2 के का वैल्यू होता है 1000, 1000 होता है, इसको हम लिख लेंगे 30, ठीक है, 30 लिख लेंगे, उसके बाद ये पॉइंट उड़ जाएगा, 1 0 ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद 2200 आ जाएगा, इसको फिर हम कैसे निकालेंगे, मैं बता रहा हूँ बट निकालना है इसको, तो ये देखिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, फिर हो जाएगा उतना ही, देख लीजिए उतना ही आया एक्यूरेट, ये मेरा सही है, ठीक है, अगर ये गलत आता, इतना इतना नहीं मिलता तो भी मेरा गलत था, ठीक, इसको देख लीजिए, उसके बाद R33 जो आता है लिखा मिलेगा आपको, कहीं कहीं ये भी मिल जाता है 0 0 भी लिखा मिलेगा, वो 0 ओम होता है, ठीक है, 0 ओम वो बीप देता है टेस्टिंग में। दोस्तों हमारे वीडियो चाहिए, ऑल रजिस्टर का मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले, आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा वीडियो को पूरा, ऑल रजिस्टर के बारे में बताया हुआ है, टेस्टिंग टेस्टिंग वर्किंग पहचान क्या है उसकी सारा कुछ बताइए, मैं बताया था उस वीडियो में कि ये आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा
क्लियर कर बताऊंगा, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये 5R8, 5R की जगह पॉइंट आता है, तो 5.8 ओम। उसके बाद 5.7, तो ये तो लास्ट में इसका कोई नहीं, 5.7 ओम हो जाएगा ये। उसके बाद 5.3 किलो ओम हो जाएगा, 5.3 किलो ओम। एम की जगह जहाँ पॉइंट होगा, लास्ट में मेगा ओम हो जाएगा, ये मेगा हुआ ये, तो 0.43 मेगा ओम। ये देखिए वही सही है, 6.3 मेगा ओम। उसके बाद ये भी है वही, 5.3 मेगा ओम। 4.72, ये भी आ जाएगा आपका 4.7, आपका दो डिजिट लिख लिए। उसके बाद 2 है, 20, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब कीजिएगा 4.7 किलो ओम आ जाएगा। उसके बाद फिर वही आ गए। ओके, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।